अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और तरीन खबरों के बारे में। दूसरी अपडेट जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट के हवाले से, अगर आप भी इन खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना केसेस के हवाले से कि सऊदी अरब में आज कोरोना के न्यू केस कितने निकले हुए हैं। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सऊदी अरब में आज न्यू केस निकले हुए 45, जिनमें से न्यू रिकवरी हुई 48 की और मौत हुई है 3 की। सऊदी अरब में नाजुक यानी कि जो क्रिटिकल केस हैं वो हैं 210। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में इस समय जो है कोरोना के केसेस में मजीद कमी देखने को मिल रही है और दोस्तों रिकवरी भी अच्छी हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के हवाले से जो कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच से ये अपडेट निकल कर आई है सामने, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी एयरलाइंस PIA को कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इजाज़त न दी तो कुवैत एयरवेज के फ्लाइट भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। दोस्तों सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बुध को एक प्रेस रिलीज में कहा है कि हम कुवैती फ्लाइटों को मुकम्मल पाबंदी के बाद भी हक से महफूज रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर से कुवैती फ्लाइटों की जो है सिमती की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुवैती सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस बारे में आगाह कर दिया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने खत में लिखा है कि कोरोना के मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी कुवैत की फ्लाइटें पाकिस्तान आ रही हैं। वहीं दोस्तों CAA ने कहा है कि बहरहाल PIA को कुवैत में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत देने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन हमारे दरख्वास्त को नजरअंदाज किया गया है और खत का जवाब भी नहीं दिया गया है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि कुवैत की एयरवेज भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगी। अब जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि भारत से सऊदी अरब आने के लिए नॉर्मल फ्लाइटों पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में वही लोग सिर्फ आ सकते हैं जो लोग सऊदी अरब में रहकर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट लगवा कर अपने मुल्क सफर पर गए हुए हैं, वही लोग ही जो है सऊदी अरब का डायरेक्ट सफर कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी अपडेट के हवाले से जो कि सऊदी अरब में हज और उमरा के हवाले से है। ये अपडेट जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उमरा जायरीन की रोजाना तादाद को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। वहीं दोस्तों वजारत हज और उमरा की जानिब से 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को उमरा करने की इजाजत दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, अरबी रोजना में औकात के मुताबिक वजारत हज और उमरा ने इस बात की इजाजत दे दी कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग एतमरना या तवक्कलना ऐप के जरिए उमरे का इजाजतनामा जारी करा सकते हैं, बशर्ते वो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। वजारत हज व उमरा की जानिब से पहले कहा गया था कि 70 साल से ऊपर जो लोग हैं वो उमरा नहीं कर सकते हैं और उमरे का परमिट नहीं हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में वजारत ने उमरा और मस्जिदुल हराम में नमाज के हवाले से नए जुमरों का ऐलान किया है। दोस्तों नए जुमरों में 12 से 18 साल के लड़कों और लड़कियों को अंदरूनी मुमलकत से ऐसी सूरत में उमरे की इजाज़त दे दी गई है जबकि वो वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। इस तरह 70 साल से ज्यादा उम्र के इन लोगों को भी उम्रे की इजाजत दे दी गई है जो वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं। दोस्तों लेकिन दोस्तों सऊदी अरब में जिस तरह से कोरोना केसेस में कमी देखने को मिल रही, इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब बहुत जल्द ही आने वाले समय में नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट जो की चालू हो जाएगी और वो तमाम मुसाफिर जो सऊदी अरबिया का सफर करना चाहते हैं वो सऊदी अरबिया का सफर कर सकेंगे। दोस्तों तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।